इसराइल और हमास की जंग को एक महीने से अधिक का वक्त हो चुका है। इसी बीच गाजा में एक के बाद एक हॉस्पिटल बंद होते जा रहे हैं, जिससे मरीजों की मौत होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है फ्यूल की कमी। यूएन ने रविवार को कहा कि गाजा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल यानी कि अल शफा हॉस्पिटल और अल कुद्स हॉस्पिटल में अब काम नहीं हो पा रहा है। संसाधनों की कमी के चलते हॉस्पिटलों के तौर पर इसकी फंक्शनिंग बंद करनी पड़ी है। इसके बावजूद भी इजरायली सेना ने अल शफा हॉस्पिटल में 300 लीटर फ्यूल पहुंचाया है। सेना ने दावा किया है कि इस दौरान हमास ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उससे हमास के एक लड़ाके के सामान से हिटलर की एक किताब यानी कि कैंप मिली है। उन्होंने कहा कि इस किताब में कई नोट्स भी लिखे गए हैं। सेना ने कहा कि हिटलर की विचारधारा पर चलकर ही हमास यहूदियों से नफरत और उन पर जुल्म करना सीखता है। वो गाजा में इस मानसिकता को फैलाता है।